आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निखिल क्लासेस पे। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए तो मेरा पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो कि प्रश्नावली 2.1 पे था। उसके पहले भी एक वीडियो हम आपको पॉलिनोमियल पे दे चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 2.1 आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट भी आए, बहुत अच्छा लगा। चलिए तो आज उसी क्रम को जारी रखते हुए आते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। लेकिन प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ax2 + bx + c = अगर 0 दे दिया, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ये आपका है। क्यों? देखिए इसमें मैक्सिमम पावर आपके है कितने, 2। अगर इसको इरेज कर दें तो मैक्सिमम पावर आपका है कितना, 1, ठीक है। अगर एक घात का समीकरण है तो उसके सलूशन कितने आएंगे, अगर 2 घात के समीकरण है तो उसके सलूशन कितने आएंगे, ऐसे अगर 3 घात, 4 घात, 5 घात या कहिए n घात कि अगर समीकरण दिया गया है तो उसके सलूशन कितने आएंगे, जो कि हमको प्रश्नावली 2.2 में यही पढ़ना है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट आपको प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करें तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक द्विघात समीकरण जो कि जनरल इक्वेशन होता है, क्या ले लिए, ax2 + bx + c = 0। अगर सिंपल से हम लोग बात करें, जैसे देखिए x2 - 4x + 4 = अगर 0 दे दिया, देखिए ये आपका क्या द्विघात समीकरण है। चलिए इसका अगर हम लोग गुणनखंड कर दें तो कितना आएगा, 2x - 2x + 4। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से आपका ये रिलेटेड है, या कहीं यही आपका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, x कॉमन करेंगे x - 2, -2 कॉमन करेंगे x - 2, यानी x - 2 = 0। अब देखिए ये होता है हम लोग गुणनखंड, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए x - 2 (1), x - 2 (1), यानी द्विघात समीकरण है तो उसके कितने सोल्यूशन आएंगे, 2। कैसे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, x - 2 = 0 या x - 2 = 0, तो इससे भी आपको क्या मिलेंगे, 2, और इससे भी क्या मिलेंगे, 2। यानी एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। कैसे, देखिए अगर a.b = 0 है, या तो a क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या फिर b 0 के इक्वल होगा। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी फर्स्ट फंक्शन 0 होगा या फिर सेकंड फंक्शन, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यू आया, एक ये एक ये, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है वो अलग बात है, लेकिन सोल्यूशन हमको कितना मिला, 2। याद रखिएगा अगर द्विघात समीकरण है तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2। 3 घात है तो 3, अगर 1 घात है तो हमको सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 1। सिंपल, इसको इस साइड ट्रांसफर कीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 2 सोल्यूशन, इन्हीं सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य, क्लियर। इसी जो हमारा ये सोल्यूशन आया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य, ठीक है। शून्य डिपेंड करता है किस पे, इक्वेशन पे। इक्वेशन हमारा कैसा है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात है, एक घात है, ठीक है। अगर शून्य एक घात का है तो शून्य यानी हल उसके 1 मिलेंगे, द्विघात है तो 2 मिलेंगे, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अभी हो गया, इन्हें शून्य को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, अल्फा और बीटा से। किस कंडीशन पे, अगर ये द्विघात समीकरण है तब, ठीक है, यानी पहला सोल्यूशन अल्फा, दूसरा सोल्यूशन बीटा, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं ये पहला ये भी, मतलब ये पहला ये दूसरा, ये आपके मानने के ऊपर है, लेकिन जो जनरल होता है ये पहला सोल्यूशन और ये दूसरा सोल्यूशन, क्लियर। लेकिन जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा यानी शून्यकों में कैसा रिलेशनशिप होता है, अगर एक जनरल इक्वेशन दिया है तो, कैसा इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्लियर।
तो चलिए इसका जो फॉर्मूला वो हम लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर बात करें इस इक्वेशन से तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स है इसका कोफिशियंट यानी गुणांक क्या है बी, और ये माइनस पहले से माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए। तो सिंपली हमको अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए। बस क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू दिया रहेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा यानी बी और ए की वैल्यू निकाल के डिवाइड करना है, क्लियर। एक रिलेशन और होता है अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है आपका सी पिलर पर अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद क्या आपका सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए, तो आपको क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये आपका क्या होता है शून्यकों का रिलेशन, यानी अल्फा और बीटा जो कि क्या इसके हल है उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए तो देखिए प्रश्नावली 2.2 कैसे है, ऐसे है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या है ये है, यानी निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्या है निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है, यानी इसके दो मान आएंगे x के दो मान आएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या द्विघात समीकरण है इस वजह से इसके दो मान आएंगे, दोनों को पहले ज्ञात कीजिए फिर शून्य जो हमारा आएगा x की दो वैल्यू फिर उसके जो गुणांक होंगे उनके बीच क्या है जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो मैं सब आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्या चाहिए शून्य, शून्य कैसे आएगा सिंपल सा है, इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, तो देखिए हल गुणनखंड करना तो आप लोगों को आता ही है। चलिए एक्स स्क्वायर इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कैसे, इस एट का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एट एक्स स्क्वायर इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, तो लिख सकते हैं 4x और 2x, 4 × 8 xx x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर 4x माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2x आएगा, लेकिन हमको माइनस है तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग मान ले रहे हैं कि आपको गुणनखंड करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो देखिए माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से फिर क्या किया x कॉमन लिए x माइनस 4, फिर प्लस 2 कॉमन लिए x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2। अब देखिए ये हमको मिल गया गुणनखंड, लेकिन आपको चाहिए क्या शून्य, शून्य के लिए आपको इसको जो हमारा गुणनखंड रहेगा बराबर उसको मानेंगे 0, यानी एक बार इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, या अब इसको 0 करेंगे, या तो देखिए क्या होता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा होगा, या x प्लस 2 बराबर 0 ये। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगा 4, और यहां से क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए x का दो वैल्यू मिला, यानी इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, दो वैल्यू हम आपको बताए थे द्विघात समीकरण है तो कितने सोल्यूशन आएंगे दो, दोनों सेम भी आ सकते हैं दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। तो जो पहला वैल्यू उसको अल्फा मान लिया, दूसरा वैल्यू मान लिया बीटा, तो ये हो गया हमारा शून्य। आप देखिए शून्य तो हम लोग फाइंड कर लिए ज्ञात कर लिए, अब क्या है शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध, यानी संबंध आपको ज्ञात करना है, याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस क्या होता है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। चलिए आपको याद है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू यहां से निकाले हैं कितना है 4,
और बीटा वैल्यू यहाँ से कितना है माइनस टू प्लस माइनस टू। अब देखिए एक्स का गुणांक इस फंक्शन से देखा जाए, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो यही है ना, तो क्या है पहले लिख लेते जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए सी की वैल्यू मिल गया माइनस एट, बी की वैल्यू देखिए क्या मिला माइनस टू, और ए की वैल्यू देखिए कुछ नहीं मिला लेकिन वन है, तो ए की वैल्यू वन मिल गया। यानी लिख लें ए बराबर वन, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू माइनस एट। कंपेरिजन कर लेंगे ना, कि हम फिर से बता देते कंपेरिजन कैसे करना है। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं, आपका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ये है, तो हम लोग क्या करते हैं जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है तो इसको वन इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स एक्स अपने जगह पे तो बी की वैल्यू कितना जगह माइनस टू और सी के जगह देखिए क्या माइनस एट है, तो कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा यहाँ पे, तो देखिए क्या है माइनस पहले से है, एक्स का गुणांक कितना है माइनस टू यानी बी की वैल्यू, याद कीजिए इस फॉर्मूला का ये भी था ना, अगर गुणांक से नहीं करना है तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, तो बी की वैल्यू माइनस टू यानी माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू कितना है ए। तो इधर देखिए चार में से दो का कितना दो माइनस इंटू माइनस प्लस टू, पहला वेरीफाई हो गया, देख लिए सिंपल है। दूसरा आपका क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए था, अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं चार, बीटा की वैल्यू कितना निकाले माइनस दो यानी चार गुणते माइनस दो बराबर सी की वैल्यू कितना है माइनस आठ और ए की वैल्यू वन, तो कितना है माइनस आठ बराबर माइनस आठ। ये भी हो गया प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले शून्य, इसको अल्फा मान लिए इसको बीटा मान लिए, फिर यहां से क्या किया वेरीफाई कराए, पहला वेरीफाई क्या था अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या है ये, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड को। ठीक है चलिए, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, अब उसी बेसिस पे दूसरा भी करना है तीसरा भी करना है। तो देखिए छह क्वेश्चन है आपके पास जिसमें से तीन हम आपको बता देते हैं और तीन आप क्या कीजिए खुद से ट्राई कीजिए, इससे क्या होगा आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और तीन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बता देंगे आप लोग का भी इजी हो जाएगा। ठीक है समझ गए हम क्या बोले, मतलब अगर तीन क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तीन क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। समझ गए चलिए, तो अब आते हैं सबसे पहले इसका क्या चाहिए शून्य, शून्य कैसे निकलेगा तो वो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्लियर, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन कर लीजिए तो s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए s माइनस 1 सॉरी, तो यहां से देखिए 2 का तो यहां पे आपका 2 और यहां पे 2 तो 2s माइनस 1 फिर 2s माइनस 1 क्लियर, तो यहां से s की वैल्यू कितना मिलेगा सॉरी हाफ और यहां से भी कितना मिलेगा हाफ कैसे बराबर जीरो मान के। तो देखिए गुणनखंड हम आपको बता चुके हैं आपको आता भी है, तो केवल हम s की वैल्यू निकाल के क्या बताएंगे केवल संबंध बताएंगे, संबंध में कैसे होगा बराबर होगा कि नहीं होगा क्लियर, तो यानी ये हो गया हमारा अल्फा ये हो गया हमारा बीटा। तो पहला संबंध क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा इसका टू माइनस बी बाई ए क्लियर, तो देखिए तो वैल्यू निकाल लेते ए बराबर कितना आएगा चार बी बराबर माइनस चार और सी बराबर एक आएगा, कंपेरिजन कर लीजिए अल्फा की वैल्यू कितना है एक बटा दो बीटा की वैल्यू एक बटा दो क्लियर, यानी एक बटा दो प्लस एक बटा दो, बी की वैल्यू देखिए माइनस चार और ये पहले से क्या है माइनस यानी माइनस पहले से है, ए की वैल्यू कितना है चार एक बटा दो यानी आधा और आधा जोड़े में तो कितना आएगा एक सिंपली एक, इससे ये कैंसिल हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस वन बराबर वन हो गया प्रूफ, यानी पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ इजी है पहले की तरह एकदम सेम टू सेम इजी है बस
आपको फॉर्मूला यानी जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लाई किए 1/4 बराबर 1/4। लीजिए ये भी हो गया आपका प्रूफ, इजी था पहला, अगर आपको समझ में आया तो दूसरा इजी है, तीसरा क्या होगा इससे भी नंबर थर्ड भी कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड के वैसे थर्ड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, शून्य, शून्य कैसे निकलेगा बताइए, क्या हम डायरेक्ट कर दें, कर दें, चलिए तो देखिए क्या आपका 6x2, अरे -7 बाद में है जिसको हम पहले भी लिख सकते हैं -3, ठीक है 6 3 18, 9 2 18, समझ रहे हो क्या बोले, 6 3 देखिए 18, यानी 6 3 18, 18 को दो पार्ट में ब्रेक किए 9 और 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आया कितना 7, यानी 6x2 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहां से क्या 3x कॉमन कर ले तो क्या 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर ले 2x माइनस 3, क्लियर, यानी 2x माइनस 3 फिर 3x माइनस 2 सॉरी प्लस 1, हमको शून्य चाहिए, चाहिए शून्य की ना, तो x बराबर देखिए इसको 0 करेंगे तो कितना है 3/2, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3, ये आप निकाल के चेक कर लीजिए कि x की दो वैल्यू आएंगे, एक 3/2 दूसरा -1/3 आएगा, यानी इसको मान लिए अल्फा इसको मान लिए बीटा, क्लियर है, गुणनखंड किए फिर उसका 0 बराबर मान के x की वैल्यू निकाले और यही हमारा क्या होगा, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा हो गया। अब इसका क्या चाहिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध, संबंध आपको पता है दो बार बता चुके हैं, बता दिए ना, चलिए तो आपका क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं -7x-3, तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3, रखिए अल्फा वैल्यू देखिए कितना है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू कितना है सॉरी बी की वैल्यू कितना है -7, तो माइनस फिर -7, ए की वैल्यू कितना है 6, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके 6, 9 - 2, 7/6, 9 में से 2 गया 7, हो गया प्रूफ, कितना इजी है, बस कैलकुलेशन और सबसे मेन आपका फार्मूला, अगर फार्मूला है तो आप कैलकुलेट इजीली कर लेंगे, अगर फार्मूला याद नहीं है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आते दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 80/2, अल्फा 3/2, बीटा की वैल्यू देखिए -1/3, क्या करना है प्रोडक्ट, सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है -3, ए की वैल्यू कितना है 6, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन का रूल पता ही है, फिर -1/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए तो ये रहा, हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, बाकी जो 3 क्वेश्चन वो हम लिख दे रहे हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो जैसा कि हम आपको बोले 3 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन बता भी दिए, बाकी जो 3 क्वेश्चन 1 2 3 ये आपको सेल्फ करने हैं, मतलब खुद से करने का प्रयास करना है, अगर आप खुद से प्रयास नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, इसलिए आपको खुद से करना है। तो देखिए अब इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, इसमें टी वाला टर्म नहीं है और इसमें तो दिया है, तो आप लोग सोच रहे हो कैसे होगा, तो देखिए सिंपल है, इसको आप चाहे तो 4u² + 8u + c की वैल्यू कितना है 0 कर सकते हैं, देखिए a की वैल्यू यहां से 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0, और यहां से इसको सॉल्व करके शून्य निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आप लोग, बस कोशिश करना है। वैसे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं t²
प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 माइनस 15। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बना दिए बस, और ये तो आपका ऐसे है ही, ठीक है आप लोग कर लेंगे। इतना आपको पता है कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना उससे ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आप सभी लोग हमको निराश मत कीजिएगा, ठीक है। आप ये तीनों क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका जो प्रश्नावली 2.2 का, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे। अब आते हैं जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, अब उसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, अब आते हैं सेकंड। चलिए तो प्रश्नावली 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है ये ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जबकि जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी आपको दिया क्या है, योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, शून्य दो ही होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा, ये दिया है और साथ ही साथ क्या दिया, गुणनफल, ये भी दिया है। तब आपसे पूछ रहा है क्या कि द्विघात बहुपद, ये आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। यानी ये आपका आपको दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तब आपसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो उसका भी एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ईजी है, देख लीजिए। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये देखिए बहुपद की बात कर रहे हैं तो बराबर जीरो नहीं होगा। अगर यही पे बोल देता पर द्विघात समीकरण तब हमारा क्या होता, जीरो, ठीक है। देखिए बहुपद और समीकरण में बस इतना ही डिफरेंस है, बहुपद में इक्वल टू नहीं आएगा, यानी ये पोर्शन बहुपद में नहीं आएगा, जबकि समीकरण बोलेगा तो बस ये आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा द्विघात बहुपद, इसलिए ये पोर्शन नहीं आएगा, क्लियर। अब देखिए ये आपको बोल रहा है कि क्या, योगफल फिर गुणनफल, जो पहला पार्ट है ये आपका योगफल है यानी योग का योग है, और दूसरा आपका क्या गुणनफल है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें पहले वाले के लिए तो कितना होगा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1। बस ये फॉर्मूला है इसी में रखिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब बताइए इसमें कौन सा कैलकुलेशन करना है आप लोग को, कुछ करना है नहीं, बस आपको ये याद रखना है क्यों ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले पे जैसे इसके लिए अल्फा प्लस बीटा के लिए रूट 2 और ये आपका अल्फा इंटू बीटा, बस रखिए कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया और इसमें कुछ करना नहीं है। अब बताइए इस पूरा क्वेश्चन बताने की जरूरत है, बताइए नहीं, फिर भी हम आपको क्या एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा बताते हैं, ये रूट वाला बता दें या फिर इसको कहिए या फिर इसको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं एक क्वेश्चन आपको और भी, चलिए तो हम क्या करें इसको नहीं बताते हैं इसी को बता देते हैं, ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको ये आपका क्या जो पहला टर्म है वो आपका हमेशा अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार पहले योग दिया है, तो ये जो आपका है योग है, फिर दूसरा जो दिया आपका क्या गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आपका वैल्यू रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है रूट 2, यक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 हो गया सोल्यूशन। बस इसमें और कुछ आपको नहीं करना है, यही आपका क्या लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, क्लियर। चलिए अगर आप इसको नोट करना चाहते तो कर लीजिए, अगर समझ में आ गया तो ये आपके लिए क्या और आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे इसके सारे जो भी क्वेश्चन है आप उसको इस फॉर्मूले से रख के कैलकुलेट कीजिए, क्लियर। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज पहले लाइक कीजिएगा,
वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन है, सिलेबस है जैसे आपका प्रश्नावली 2.2 है, कितने क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है कम से कम उस वीडियो को आप पूरा देखिए, उससे क्या होगा कि आपको पूरे जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा वीडियो को पूरा वॉच करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।